Assalamualaikum everyone, it's me Yusra. Welcome to my skincare vlog. मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्किन शाइनर फेस पैक. मीन्स स्किन हमारी स्किन को ब्राइट शाइनिंग एंड ग्लोइंग बनाएगा. ये शाइनिंग वाला ग्लो आएगा जो मैं आप लोगों के लिए फेस वाला मास्क लेकर आई हूँ. एक तरह से ये फेस मास्क भी है और एक तरह से एक ये स्क्रब भी है, क्योंकि हम इसे दोनों चीज़ें कर सकते हैं. तो मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे देर ना करते हुए. सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेगा राइस. सबसे पहले इंग्रेडिएंट डलेगा इसमें राइस. तो राइस के अंदर क्या क्या होता है? राइस हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ना बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए. सबसे पहले तो राइस हमारी स्किन को करता है थोड़ा ब्राइट वाइट स्किन करता है, और जो डलनेस होती है उसको रिमूव करता है. जो जाहिर सी बात है, जब डलनेस हमारी रिमूव हो जाएगी तो हमारी स्किन ब्राइट हो जाएगी, और जो हमारी एंटी एजिंग के निशान रिंकल्स जो भी होते हैं लाइंस होती हैं उनको रिमूव करता है, उनको कम करने में मदद करता है. और जो स्किन के पोर्स होते हैं, जो ब्लैकहेड्स जिसमें आ जाते हैं बहुत लोगों की, मेरी भी है प्रॉब्लम में, जो स्किन के पोर्स होते हैं जो खुले हुए होते हैं, जो पिंपल जो आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ना आदत होती है वो करने की, तो उसमें ना वो पोर्स ना खुलने लगते हैं और है ना स्किन के अंदर डस्ट जमा होने लगती है, उन पोर्ट्स के अंदर डस्ट भरने लगती है. तो उससे ना हमारी ब्लैकेट्स जो होते हैं ब्लैकेट्स बन जाती है. वो जो डल होती है, ऑयल होता है, वो सब हमारा ब्लैकेट्स में तब्दील हो जाता है. तो इसलिए वो हमारे जो पोर्ट्स होते हैं, राइज जो होता है वो ये काम भी करता है, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं उनको लॉक करने का भी काम करता है, वो धीरे धीरे उनको कम कर देता है. तो राइज के इतने सारे बेनिफिट हैं. ठीक है, देर ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे. तो नेक्स्ट वाला है हमारा बेसन. बेसन के भी बेनिफिट आप लोग देख सकते हैं कितने सारे हैं, बहुत अच्छे हैं. तो बेसन में हमारा बेनिफिट ये होता है कि ये भी एक जो पिंपल्स होते हैं उनको थोड़ा कम करने में काम करता है, डलनेस हटाता है. इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसके भी यही सारी चीज़ें हैं. और स्किन को ग्लोइंग बनाता है बेसन में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी स्किन को ना ग्लो ग्लो वाली बनाता है. ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें शामिल है मिल्क. मिल्क भी इसमें यूज़ करने वाले हैं हम. मिल्क की जगह आप लोग दही भी यूज़ करते हैं, योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बट मैं यहाँ पर मिल्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठंड है, ठंड में ज़्यादा, तो इसलिए मैंने तो मिल्क भी. मिल्क जो होता है उसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं. हमारी स्किन के एक्ने को करता है, फाइट करता है एक्ने से, एंड क्या कहते हैं एंटी एजिंग के जो साइंस होते हैं उनको थोड़ा कम करने में हेल्प करता है, एंड स्किन को फाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग सब बना देता है. तो मिल्क के अंदर इतने सारे मतलब अच्छे अच्छे काम करने में हमारी हेल्प करता है. तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. नेक्स्ट वाला है हमारा हनी. तो हनी को तो सबको पता है कि हनी हमारी स्किन के लिए क्या काम करता है. हनी हमारी स्किन के लिए काम ये करता है कि हमारी जो स्किन होती है उसको मॉइस्चराइजिंग करता है हनी, और जो हमारे फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. हनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हनी हमारी स्किन को ग्लो भी देता है, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग करता है, ग्लो भी देता है, एंड फाइन लाइन, रिंकल्स ये सब रिमूव करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने पैक में, और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ये पैक कैसे बनाने वाली हूँ, और इसकी क्वांटिटी भी बताऊँगी और सब कुछ बताऊँगी कि मतलब अगर आपको दो टू फेस पे अप्लाई करना है तो आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, वन फेस पे अप्लाई करना है तो आप कितनी क्वांटिटी. ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने मास्क एंड स्क्रब की तरफ, और मैं उसको बताऊँगी फिर बाद में उसको स्क्रब कैसे बनेगा. ठीक है, तो ये सब हैं आज हमारे जो जो जिस जिससे मैं अपना फेस मास्क बनाने वाली हूँ. ये है राइस, और ये है हमारा बेसन, एंड ये है मिल्क, एंड ये है हनी. ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए इसे बनाते हैं. तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं राइस. तो हमें कितने स्पून लेने हैं? वैसे तो मैं दो स्पून निकाल कर ही लाई थी, तो ये मैं ले लूँगी पूरे दो स्पून. ठीक है, ये मैंने राइस लिए हैं पूरे टू स्पून. क्योंकि मैंने टू स्पून इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं भी चापी भी लगाएंगी. मेरी जो सिस्टर है उन्होंने भी बोला था कि उनको भी लगाना, तो इसलिए मैं दो स्पून लिए. तो अगर आपको अपने वन फेस पर लगाना है तो आप वन स्पून ले सकते हैं. और इसमें मैं लेने वाली हूँ अब बेसन, वन है ना हाफ स्पून. ठीक है, एंड पहले मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ हनी. हनी आपको बस इतना ही लेना है, और जो अपने वन फेस पर लगाने वाले हैं तो आप इससे कम ले लीजिएगा. ठीक है, या तो थोड़ा सा और ले लीजिए, क्योंकि मैं टू फेस पर लगाऊंगी तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ. ठीक है, तो आप लोग भी इतनी क्वांटिटी ले लीजिएगा हनी की. ठीक है, तो अब जो मैं इसमें मिल्क शामिल करने वाली हूँ ना, तो मिल्क शामिल ऐसे करने वाली हूँ कि ये जो मेरा पूरा फेस मास्क है वो अच्छे से बन जाए.
इतना ही शामिल करूँगी, ये नहीं कि मैं पूरा डाल दूँगी, ठीक है। इसी को क्वांटिटी नहीं है, बस हमारा फेस मास्क बनना चाहिए। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। तो चलते हैं, अप्लाई करने लगी हूँ मैं, ठीक है। और हाँ, अप्लाई करने से पहले बिल्कुल आपका फेस जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल आप फेस वॉश करके आ जाइए, ठीक है। तो कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं अप्लाई। गिरेगा ज़रूरी है क्योंकि ये वैसा, इसमें राइस डला हुआ है ना, राइस का पाउडर डला हुआ है बन के। इसके लिए हमें इसको पहले थोड़ा 10 मिनट तक अपने फेस पे लगाना है, फिर उसके बाद हम इसको स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है और मैं 10 मिनट यहाँ पर करूँगी वेट, क्योंकि इसकी अपने स्किन के अंदर थोड़ा जाने दूँगी, थोड़ा जो ये काम करता है उसके बारे में। और फिर उसके बाद मैं इससे करूँगी अपने फेस पे मसाज। तो ये हमारा एक तरह का बन गया स्क्रब, क्योंकि जो राइस होते हैं वो है पिसे हुए, इसमें तो राइस का पाउडर बिल्कुल बारीक नहीं होता, बाजार में मिल सकता है, बट ये मैंने अपने घर में ही करा है तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा है। और इससे हम, ये हमारा बहुत ही अच्छा एंड लाजवाब स्क्रब बन चुका है, जिसके जो भी स्क्रब करता है सभी करते हैं वैसे तो अपनी टल वगैरह पैकेट हटाने के लिए। हमारे हो गए हैं जी 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, अब हम करने वाले अपने फेस पे मसाज ऐसे करके, ठीक है। प्यारी नीचे गिर रहा है, पिटाई कर देंगे मेरी मेरी अम्मा मेरी पिटाई कर देंगी, मुझे कुछ बचाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर दूँगी। एंड अब ऐसे कर करके हमें करनी है मसाज। आप लोग चाहें तो अपने हाथ गीले भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप 2-3 मिनट तक मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर कराती हूँ, यहाँ पर सब गिर रहा है, हमें कर देंगे पिटाई। मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश करके, धुआं निकल रहा है मैं फेस वॉश कर आ गई हूँ अपना, और आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन साफ हो गई। अब मेरा फेस ना थोड़ा गीला गीला हो रहा है, मेरी स्किन ना हाथ लगाने में बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ऐसे ही होनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फेस मास्क, ठीक है। और बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके, और आप लोग इसको ट्राई करेंगे ना वीक में 1 बार भी, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस व्लॉग को हम ये कर रहे हैं यहीं पर एंड। तो आई होप आपको मेरे ये फेस मास्क अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।